इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले आपने दो बार अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश करना है। व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी स्किन फ्रेशनेस के रिलेटेड। और सबसे पहले जी हम आपको बताऊं कि जो इसका मास्क है वो है जी आलमंड मास्क, इसका नेम है आलमंड। जो बादाम है हमने वो उसका पेस्ट बना के हमने इनको पीस के रखा हुआ है बॉक्स में। और साथ में जी आपको बताऊँ कि बादाम के क्या बेनिफिट है। बादाम के अंदर जी विटामिन ई होता है और ये आपकी स्किन को फ्रेश करता है, वाइटिंग करता है और लाइटिंग करता है जी। विटामिन ई होता है जो वो ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी स्किन को क्लियर करता है। और जी सेकंड हमारे पास जो चीज़ है वो है जी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी से आपको पता है कि सबसे उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी ये फाइट करता है जी एक्ने एंड पिम्पल्स को फाइट करता है, और ये रिमूव करता है ऑयल को, और ये डीप क्लींजर स्किन रिमूविंग डर्ट, स्वेट एंड सब कुछ। ये इसके अंदर बहुत से हैं बेनिफिट्स, ये बहुत अच्छे आपके स्किन को ये ग्लो देता है और ये पिगमेंटेशन को भी दूर करता है जी। थर्ड चीज़ हमारे पास जो गुलाब कलर की है जी, ये आपकी एक्ने को और आपकी ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चैलेंज अपनी रेमेडी की तरफ ये जी हमने 1 टीस्पून हमने ऐड कर दिया है आलमंड पेस्ट। अब सेकंड हम ऐड करने लगे हैं जी 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी। अब हम जी डालने लगे हैं जी 1 टीस्पून गुलाब का अर्क। अब जी हम इसे मिक्स करेंगे जी। हमारा जी मिक्सचर हो गया जी रेडी। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे। अब हम इसको जी मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब जी हमारा हो गया है मास्क रेडी। अब मैं इसको आपको लगाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले जी आपने ठंडे पानी से 2 बार फेस वॉश कर लेना है, और उसके बाद आपने इसे 10 मिनट्स रखना है। उसके बाद आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है, और आपने 20 मिनट्स अपने फेस पे रखना है। और इसको ड्राई करने के बाद जी आपने दोबारा ठंडे पानी से ही अपना फेस वॉश कर लेना है, और इंशाल्लाह आपके इसको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैंने खुद इसको ट्राई किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। ओके जी, मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।